हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JCM इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी इज करेक्ट रिगार्डिंग 4 संवत्स। 4 संवत् हैं जो हमारे, उनमें उनकी जो करेक्ट क्रोनोलॉजी है वो कौन सी है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, गुप्ता, ग्रिगोरियन, हिजरी, उसके बाद सका, या फिर ग्रिगोरियन सका हिजरी गुप्ता, देन सका ग्रिगोरियन हिजरी गुप्ता। फोर्थ ऑप्शन है हिजरी गुप्ता ग्रिगोरियन सका, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसमें से इसका करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। इसका जो करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर है वो इन ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, मैं आपको बता देती हूँ कि वो क्या है। सबसे पहले सका, नेक्स्ट है गुप्ता, देन थर्ड हिजरी और फोर्थ ग्रिगोरियन। सो ये है इसका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इस इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली नन ऑफ दीज। सेकंड है हमारा, द होम ऑफ गार्गी मैत्री एंड कपिला वाज एट। गार्गी मैत्री कपिला का होम कौन सा था, विदिशा, उज्जैन, पतलिपुत्र, या फिर मिथिला। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, मिथिला। थर्ड क्वेश्चन, विच एरिया ऑफ इंडिया वॉज नोन एज अवंतिका इन एंशियंट टाइम्स। एंशियंट टाइम्स में कौन सा एरिया है इंडिया का जिसे अवंतिका के नाम से जाना जाता था, अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, या फिर मालवा। तो करेक्ट आंसर है मालवा। मालवा को अवंतिका के नाम से जाना जाता था। फोर्थ क्वेश्चन, द सोशल सिस्टम ऑफ द हड़प्पन्स वॉज। हड़प्पन्स का सोशल सिस्टम कैसा था, फेयरली इगैलिटेरियन, स्लेव लेबर बेस्ड, कलर और वर्ण बेस्ड, या फिर कास्ट बेस्ड। तो हड़प्पन्स का जो सोशल सिस्टम था वो था फेयरली इगैलिटेरियन बेस्ड। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदर्स प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिविलाइजेशन ऑफ द अर्ली वैदिक एज। इन ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा और समवेदा में से ऐसा कौन सा वेद है जो कि हमें इन्फॉर्मेशन देता है अर्ली वैदिक एज की, सिविलाइजेशन ऑफ अर्ली वैदिक एज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में हमें अर्ली वैदिक एज की इन्फॉर्मेशन मिलती है। सिक्स क्वेश्चन है, द यूनिवर्सिटी विच बिकेम फेमस इन द पोस्ट गुप्ता एरा वॉज। यूनिवर्सिटी जो कि गुप्ता एरा के बाद फेमस हुई, कांची, टेक्सिला, नालंदा, या फिर वल्लभी। तो वो यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी। सेवन क्वेश्चन है, भन्नाभट्ट वॉज अ कोर्ट पोइट ऑफ विच एम्पायर। भन्नाभट्ट किस एम्पायर का कोर्ट पोइट था, वो था हर्षवर्धन का। सो करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन, हर्षवर्धन। एट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन रूलर हु एस्टैब्लिश्ड द सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन नेवी इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में कौन सा इंडियन रूलर ने इंडियन नेवी की सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश किया था। राजा राजा वन ने, राजेंद्र वन ने, राजत्री राजा वन, या फिर कुलोतुंगा वन ने। तो ये क्या था, राजा राजा वन ने। नाइन्थ क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट ऑन द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट। इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जो कि करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन, हॉर्स सेक्रीफाइस वॉज नोन टू देम, काउ वॉज सेक्रेड टू देम, पशुपति वॉज वेनरेटेड बाय देम, द कल्चर वॉज नॉट जनरली स्टैटिक। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो है कि उनका जो कल्चर था वो स्टैटिक नहीं था। सो फोर्थ ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। टेंथ क्वेश्चन है, द फर्स्ट तीर्थंकारा ऑफ द जैन्स वॉज। फर्स्ट तीर्थंकारा कौन सा था जैन्स का, अरिष्ठनेमी, पश्वनाथ, अजीतानाथ, या फिर ऋषभ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऋषभ। ऋषभ वॉज द फर्स्ट तीर्थंकारा ऑफ द जैन्स। इलेवन क्वेश्चन है, द ग्रेट सिल्क रूट टू द इंडियंस वॉज ओपन बाय। जो ग्रेट सिल्क रूट है वो इंडियंस के लिए किस रूलर ने ओपन किया था, कनिष्क ने, अशोका ने, हर्ष ने, या फिर फाहियान ने। तो ये किया था कनिष्क ने। ट्वेल्थ क्वेश्चन, द रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग टैक्स फ्री विलेजेस टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स। ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट मॉन्क्स को टैक्स फ्री विलेजेस ग्रांट करने की प्रैक्टिस कौन सी डायनेस्टी ने स्टार्ट की थी, कौन सी डायनेस्टी के रूलर्स ने स्टार्ट की थी ये प्रैक्टिस। सतवाहनास ने, मौर्यस ने, गुप्तास ने, या फिर चोलास ने। तो ये स्टार्ट किया था सतवाहनास ने। सो करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन, सतवाहनास।
13th क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स इज, वैदिक मैथमेटिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट कौन सा है? सतपथा ब्राह्मण, अथर्ववेद, सुलभा सूत्रस या फिर छंदोग्या उपनिषद? तो इसका आंसर है हमारे पास सुलभा सूत्रस, थर्ड ऑप्शन। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। 14th क्वेश्चन है, यवनिका और कर्टेन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन थिएटर बाई विच ऑफ द फॉलोइंग? यवनिका या फिर कर्टेन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन थिएटर में किसने किया था? शकास ने, पार्थियंस ने, ग्रीक्स ने या फिर कुशांस ने? तो ये किया था ग्रीक्स ने, थर्ड ऑप्शन। 15th क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द सखा एरा विच इज स्टिल यूज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? सखा एरा किसने स्टार्ट किया जो कि अभी भी यूज किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा? कनिष्क ने, विक्रमादित्य ने, समुद्रगुप्त ने या फिर अशोका ने? तो ये क्या था? कनिष्क ने, कनिष्क स्टार्टेड द सखा एरा। 16th क्वेश्चन, वॉट इंस्पायर द पेंटिंग्स ऑफ अजंता? अजंता की पेंटिंग्स को कौन इंस्पायर कर, क्या चीज़ इंस्पायर करती है? कंपैशनेट बुद्धा, राधा कृष्ण लीला, जैन तीर्थंकरस या फिर महाभारत एनकाउंटर्स? किस चीज़ को डिफाइन किया गया है अजंता की पेंटिंग्स में? तो वो है कंपैशनेट बुद्धा, बुद्धिज्म से रिलेटेड चीज़ों को वहाँ पर इसकी पेंटिंग्स में दिखाया गया है। 17th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया? इनमें से सबसे पहले इंडिया कौन आया था? जर्जस, अलेक्जेंडर, डेरियस वन या फिर सिलेकस? तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डेरियस वन सबसे पहले इनमें से इंडिया आए थे। 18th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी? इनमें से सबसे ओल्डेस्ट डायनेस्टी कौन सी है? मौर्य, गुप्ता, कुषाण या फिर कन्नव? तो मौर्यन डायनेस्टी इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शंस। देन 19th क्वेश्चन है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिक जीवाका चिंतमणि इन द तमिल एसोसिएटेड? जीवाका चिंतमणि तमिल में इन चारों में से किसके साथ एसोसिएटेड है? जैनिज्म के साथ, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म या फिर क्रिश्चियनिटी के साथ? तो ये एसोसिएटेड है जैनिज्म के साथ, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा ब्रीथ हिज लास्ट? 20th तो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, लॉर्ड बुद्धा ने अपनी आखिरी सांस कहाँ ली थी? राजगीर में, बोधगया में, सन्नाथ में या फिर कुशीनगर में? तो उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी कुशीनगर में। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी GCM इंस्टीट्यूट का यूट्यूब पे पेज है, वो विजिट करके मैथ्स की काफ़ी सारी वीडियोस प्रेजेंट है उस पर, वो सब देख सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।